जैक बोर्ड में मैट्रिक और इंटर साइंस के रिजल्ट में कोडरमा सबसे आगे है। मैट्रिक परीक्षा में राज्य के टॉप 10 की सूची में जिले के 5 छात्र शामिल है। मैट्रिक परीक्षा में सबसे ज्यादा 98.126% बच्चे उत्तीर्ण हुए। जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में मिली सफलता का जश्न जिला मुख्यालय में केक काटकर मनाया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन, DFO, SDO ने बेहतर रिजल्ट हासिल किए बच्चों के साथ केक काटकर सफलता का जश्न मनाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि पिछले 7 महीने के निरंतर अभ्यास और अभ्यास से सफलता मिली है, इसके लिए जिले के तमाम अधिकारी और शिक्षक बधाई के पात्र हैं। सर ने रेन प्रोजेक्ट चलाया था जो मतलब वीकली टेस्ट होता था अलग अलग सब्जेक्ट का, कभी इंग्लिश का हुआ, कभी मैथ का, कभी साइंस का। तो उससे हम लोग को ऐसा रहता था कि नहीं अगले वीक टेस्ट है तो अच्छे से पढ़ के जाना है। तो हम लोग को क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में टेस्ट था तो NCERT का एक एक लाइन पढ़ना पड़ता था, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ते थे एक एक लाइन, कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं या कौन सा वीक पॉइंट रह जा रहा है। तो वो सब सबको मैनेज करके या टाइम सही से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, OMR शीट भरने में कोई गलती हो जा रही है क्या, तो वो सब सबको मैनेज करके और फिर ऐसे टेस्ट देते गए और फिर इम्प्रूवमेंट आता गया। तो सब घर वालों का तो बहुत सपोर्ट था, मतलब मम्मी हमको कभी ऐसे उठाती नहीं थी, मैं पढ़ रही होती थी तो मम्मी कभी आके उठाती नहीं थी कि पढ़ रही है वो, चलो मतलब सारा काम खुद ही करती थी, कभी ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहा कभी भी नहीं, बहुत सपोर्ट। आगे तो सिविल सर्विसेज में जाना है, UPSC क्रैक करके IAS बनना चाहती हूँ। सर बहुत अच्छे से तैयारी हो रही थी, सर हम लोग को बता रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है, कहीं हम लोग का रेल प्रोजेक्ट में गलती हो जा रहा था, कभी कम नंबर आ रहा था तो देखते थे कहाँ पे गलती हो रहा है, क्या पढ़ना है और क्या मेहनत करना है। और उसमें सब एक एक लाइन एक एक मेन मेन पॉइंट रहता था कि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, एक एक पॉइंट को हम लोग को गौर करना पड़ता है कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से ये नहीं आ रहा है।